हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है देसी लाइफ के दूसरे एपिसोड में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस गली में खड़ा हूँ अपने साइकिल के साथ। काफ़ी मंदी चल रही है आजकल, ज़्यादा पैसे नहीं हैं एंड अब मुझे छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। तो मैं हूँ रोमियो, रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। तो थैंक यू दोस्तों आपके इतने सारे लाइक्स एंड व्यूज़ के लिए पहले एपिसोड में, एंड आई होप ये चलता रहे एंड हम ऐसे एपिसोड्स और बनाते जाए। आई होप आपको मज़ा आ रहा है एंड आपको मज़ा आ रहा है तो 10 लाइक और दीजिए अगले एपिसोड के लिए एंड हम यहीं से शुरुआत करेंगे। यस, देते जाइए लाइक्स। ओके, तो मैं अपने गेटअप में आ गया हूँ। थोड़ा मुंह ढकना पड़ेगा, जो आज हम काम करने जा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चोरी चपाटी एंड थोड़ा बहुत मार धाड़। कोई आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कोई तो आ रहा है इसी तरफ। एंड जैसे रुपए कम है अब मेरे पास, तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोरियां तो करनी पड़ेगी मुझे। अरे ओह, साला बच गया। इधर आ, साले कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है। ओह वाह, एक के तो छुरा घोप दिया, लेकिन ये क्या हुआ, इसके पास तो रुपए ही नहीं है। लगता है पूरे अमेरिका में सब कंगले घूम रहे हैं, इसको मारते। ओह, $18 मिले हमें इस व्यक्ति से, थैंक यू सो मच। अब भागने का वक्त आ गया, एक स्टार हो चुका है, पुलिस हमें ढूंढने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। एंड मेरे पास सिर्फ ही मेरी एक साइकिल है। ओह नो, बहुत करीब आ गई है पुलिस। भाग मेरे रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। तो मैं पुलिस से जितनी दूर हो सके भाग रहा हूँ, कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया मैंने। दो लोगों का कत्ल करके $18, सिर्फ $18 के लिए दो लोगों का कत्ल कर दिया गया अमेरिका के गली में। ध्यान से देखिए इस गुनहगार को। तो पुलिस वालों से मेरा पीछा छूटा। ओके, हम लगता है मार्केट एरिया में पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे लोग थोड़ा रुपए लेके घूम रहे होंगे ज़रूर। एंड जो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा उससे मैं रुपए चुरा सकता हूँ। ओप्सो, लड़कियाँ शॉपिंग करने के लिए निकली है। ये अमेरिका का सरोजिनी नगर है जैसे आप देख सकते हैं। ओके, ये विंडो शॉपिंग कर रही है, इसी को लेते हैं पीछे से। ओह, इसने विंडो शॉपिंग कर रखी, रुपए ही नहीं है इनके पास। इन लड़कियों के पास तो खासकर रुपए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शिट, मैं मुसीबत में हूँ, पुलिस कभी भी आ सकती है। कुछ रुपए चाहिए मुझे एंड $25 मिले इस मर्द से, थैंक यू सो मच। लड़कियाँ मार्केट निकल जाती हैं बिना रुपए के, आई डोंट बिलीव दिस, ये क्या हो रहा है। ओके, दोबारा भागने का टाइम आ गया है। मार्केट एरिया से भागना ज़्यादा आसान होगा, पुलिस मेरा पीछा नहीं कर पाएगी। तो आजकल मैंने यहीं पे बसेरा डाल रखा है, थोड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रात को यहीं पे आके सोता हूँ मैं। आउच, कभी कभार गिर जाता हूँ घर से नीचे, इसलिए दीवार लगानी चाहिए घर पे, आई टेल यू। तो अब मैं इन छोटे मोटे चोरियों से तंग आ चुका हूँ, काफ़ी लोगों के छुरा घोप दिया, लेकिन बहुत कम डॉलर्स मिले मुझे एंड कब तक मैं इसे पुलिस से भागता रहूँगा। तो आज कुछ बड़ा करने का वक्त है, बड़ा। तो
कोई नहीं है आसपास, एक गाड़ी खड़ी है, इसको मैं चुराने की कोशिश करूँगा। नहीं, अलार्म बज चुका है, फटाफट जैक करना पड़ेगा इसको। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, रोमियो नाम से पुलिस स्टेशन में मेरी ही चर्चा चल रही है। एंड मैं रॉन्ग साइड में चला रहा हूँ क्योंकि यही सही तरीका है पुलिस वालों से भागने का। पेट्रोल पंप में आ चुका हूँ, थोड़ी देर गाड़ी को यहीं खड़ी कर लेते हैं। छुपने की कोशिश, नहीं पुलिस वाला पीछा करने को पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब तो काफ़ी नाक में दम कर रखा है मैंने पुलिस वाले को। पिछले 2 दिनों में 4 लोगों को मैंने चाकू से मार दिया, तो अब मेरे पास ये कार है एंड हम करेंगे थोड़ी सी बड़ी चोरी। एक स्टोर पे हम डाका डालेंगे। छोटे मोटे चोरियों से अब हम आ गए डाका डालने पे। तो मैं हूँ डाकू एंड ये एक अच्छा स्टोर लग रहा है मुझे। नहीं, क्या चल रहा है यहाँ पे? काफ़ी लोग हैं इधर, काफ़ी भीड़ है। चलो चलते हैं, कुछ लेने का वो करते हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हैं ज़्यादातर दुकानदार इधर इंडियन या ब्राउन स्किन वाले हैं, जैसे आप कहते हैं। दारू 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 की बोतलें भी बहुत महंगी हो चुकी है। और भैया कैसे हो, सब बढ़िया? अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है। ये देखा है, चल जल्दी जितने रुपए दुकान में सब दे, फटाफट टाइम नहीं है, जल्दी दे। कोई गोलियां मार रहा है, ये क्या हुआ? अंडरकवर पुलिस। ओह नो, मैंने ये कभी नहीं सोचा था अंडरकवर पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। शिट, मुझे चोरी ऐसी करनी पड़ेगी। 1,800 डॉलर मिल चुके हैं एंड अब भागने का समय आ चुका है। एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया मैंने एंड ये सही नहीं हुआ। अब तो ज़्यादा पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है, ज़्यादा तादाद में पुलिस पीछे आएगी एंड अब मैं उनके वांटेड लिस्ट में आ चुका हूँ। भाग बेटा भाग। तो अब कुछ दिन हो चुके हैं मैं पुलिस वालों से भागने की कोशिश कर रहा हूँ एंड अब मुझे लगता है मुझे इस गाड़ी को बेच देना चाहिए क्योंकि इस गाड़ी पे काफ़ी लोगों की नज़र पड़ चुकी है, काफ़ी पुलिस वाले इस नंबर प्लेट के पीछे पड़े एंड मुझे इस गाड़ी को जल्द से जल्द बेचना पड़ेगा। तो गाड़ी पे मुझे थोड़ा सा पेंट कराना पड़ेगा उसको बेचने से पहले कि अच्छे दाम में जाए ये गाड़ी। थोड़ा सा रिपेयर वर्क लगेगा, थोड़ा सा रीस्प्रे। तो मैं इस गाड़ी को ले जा रहा हूँ चोर बाज़ार। किसी ने कहा था मुझे अच्छा दाम मिलेगा इस गाड़ी के लिए एंड तभी देखते हैं कि कितना मिलता है मुझे इस गाड़ी के लिए। डील अच्छी जाए, कोई गड़बड़ ना हो, कोई मुझको लूटे ना, तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया जहां पे उसने मुझे बुलाया था। उसने कहा था गराज में इसको डिलीवर कर दे इस गाड़ी को। ओके, डील अच्छी गई, मुझे $5,000 मिले इसके लिए एंड ये काफ़ी बड़ी रकम है। कुछ दिन तक तो मैं काम चला दूँगा इससे। काफ़ी रात हो चुकी है एंड ये है थोड़ा इंडस्ट्रियल सा एरिया, काफ़ी सुनसान एरिया है एंड जैसे आप देख सकते हैं ये महिला अकेले जा रही है एंड ये हुआ थोड़ा सही मौका। एक हथौड़ा है मेरे पास। ओह, छोटे मोटे डॉलर मिले मुझे। अब मुझे भागने की ज़रूरत है, उससे पहले पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े। इतना सुनसान एरिया, किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे किसी ने चोरी की है, किसी की मौत हुई है आसपास, किसी को कोई खबर नहीं। काफ़ी दुकानें लूट चुका हूँ, काफ़ी चोरियाँ कर चुका हूँ, अब मैं इस ज़िंदगी से बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन
मुझे एक आखिरी बार एक दुकान और लूटनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत रुपए चाहिए। एंड आई एम वेरी सॉरी बट हैंड्स अप, प्लीज रुपए दो जितने भी है तुम्हारे पास, फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी। कोई पुलिस वाला तो नहीं आ रहा इस बार, जल्दी दो नहीं तो तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा मैं। जल्दी जल्दी जल्दी, 1,000 रुपये मिले मुझे। ओ शिट, दुकान वाले भी अपने सेफ्टी के लिए गन्स रखते हैं। एंड शिट, मैं मुसीबत में हूँ, नहीं लगता है मैं डेड एंड में आ चुका हूँ बिल्कुल। अब मेरे पास कोई चारा नहीं, एक आखिरी बार, तो पुलिस वालों को घायल कर दिया मैंने। एंड मुझे पता है ये सब काम गलत है, लेकिन कभी कभार मजबूरी में करना पड़ता है। चार ऑफिसर घायल हो चुके हैं मेरे शूट आउट में। एंड नहीं, आई होप दोस्तों आप लोगों को आज के एपिसोड में मज़ा आया। एंड अगर आपको आया तो लाइक करना ना भूलिए। चोरी करके डाका करके रुपए कमाना अच्छी बात नहीं है, एक ही अंजाम होता है इसका आखिर में, या तो पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर देंगे या तो मार डालेंगे। तो जो भी काम करना है मेहनत से करिए। मैं मिलूँगा आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।